पहले तो मैं स्मूथ मीडिया का थैंक्स करता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस में आप लोग पहुँचे, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हमारी मीटिंग चल रही थी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके। हमने टोटल जितनी भी यहाँ में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, कॉन्फेडरेशंस हैं, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम पिछले 4 दिनों से पूरे खाली श्रीनगर में नहीं, पूरे कश्मीर डिवीज़न में हमने अलग अलग जगह मीटिंग्स की। तो वो मीटिंग्स करके उस मीटिंग्स का एक ही मेन एजेंडा था कि हमको एक बैनर में, एक प्लेटफॉर्म में आना है, ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो वो एक बैनर से आवाज़, एक झंडे के नीचे से आवाज़ उठे। क्योंकि जब भी आप इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म से, एक लेटर पैड से कोई एक लेटर जाएगी, तो आपकी वैल्यू पड़ेगी, सरकार भी आपकी बात वो मानने के लिए मजबूर होगी। सो सबसे पहले तो मैं टोटल जितनी कॉन्फेडरेशंस के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और टोटल जितनी यहाँ की फेडरेशन और यूनियंस हैं, सब ने समर्थन दिया है और सब ने, सबके मन में ट्रांसपोर्ट के लिए दर्द है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए दर्द है। सो सब ने उस दर्द को अहमियत देते हुए ये फैसला लिया है कि हम सब मिलके जो ऑल जी एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं पिछले 2.25 साल से चेयरमैन हूँ, तो हम सब मिलके एक बैनर के नीचे हम सब इकट्ठा होकर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। जैसे हम पहले एलजी प्रशासन था, अभी सरकार चुनी हुई सरकार रही है, सरकार और एलजी प्रशासन को साथ लेके, क्योंकि दोनों के साथ चल के हम जितनी भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसका हम जो हल है वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर निकालेंगे। क्योंकि जब तक हम एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक अलग अलग जब हम संस्थाओं में बटेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि अभी मेरे एक मीडिया भाई ने कुछ प्रॉब्लम बोली थी, प्रॉब्लम्स की डिस्कशन आज जो है वो जीए प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रॉब्लम की डिस्कशन के लिए नहीं थी, वो एक सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, जितनी यूनियंस हैं, उनका ये कहना था कि हम ऑल जी एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दे रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं, और हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे आके, हम एक प्लेटफॉर्म में आके इस ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर रहे हैं। एक आपने वजह पूछ, एक चीज़ और सवाल किया आपने कि कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई। मैं आपको बता दूं कि मुझे आए हुए 2 साल 4 महीने हुए हैं चेयरमैन, तो जब मुझे पता चला, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का दायरा बहुत बड़ा है, 3.5-4 लाख गाड़ी जो कमर्शियल गाड़ी जो रजिस्टर्ड है जम्मू कश्मीर में, जब उन चीज़ों को समझा, जब जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दुख दर्द को समझा, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारी यूनियंस जो हैं, बहुत सारी ऐसी यूनियंस हैं यहाँ में, क्योंकि यूनियंस प्रेसिडेंट क्यों बनाते हैं स्टेक होल्डर्स, क्यों बनाते हैं ट्रांसपोर्टर, इसलिए कि प्रेसिडेंट का काम है उनकी प्रॉब्लम्स को लेके आगे सरकार तक पहुँचाना, उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालना और सबको एक माला में पिरो के रखना, सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक माला में पिरो के रखना, ये प्रधान का, चेयरमैन का काम है। सो बहुत सारे वीक पॉइंट अपने ही ट्रांसपोर्ट के मिले, जिसमें बहुत सारी यूनियंस हैं जिनकी पिछले किसी की 5 साल से, किसी की 7 साल से, किसी की 10 साल से इलेक्शंस नहीं हुई। आप दर्द जानते हैं कि कश्मीर, आज जम्मू कश्मीर में भी 10 साल के बाद इलेक्शन हुई है, हम सब दर्द जानते हैं। आज सरकार आई है तो आवाम खुश है कि सरकार आवाम ने चुन के लाई है। तो ऐसे ही इलेक्शन जो है, यूनियंस की इलेक्शन भी जो है वो टाइमली होनी चाहिए। पहले कोई काम नहीं निकलता था क्योंकि 17 अप्रैल को आपने बंद किया, बंद की कॉल दी जी, उसके बाद 23 अप्रैल को आप एलजी से मिले थे जी, 2023 के बाद जी जी जी, तो क्या उन दौरान कोई काम नहीं निकला कि आप पॉपुलर गवर्नमेंट पर ही आप, मैं कुछ मैं इसका जवाब देता हूँ, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। एक्चुअल में जब हमारी ट्रांसपोर्ट्स की बहुत सारी यूनियंस ऐसी हैं जिनकी 5 सालों से लेकर 10-10 साल तक हो गए हैं, यूनियंस की इलेक्शन नहीं हुई, तो मेरे पास एज ए चेयरमैन हर एक ट्रांसपोर्टर, स्टेक होल्डर्स, ट्रांसपोर्टर, यूनियन वाले सब आते हैं। जब सबकी बातें सुनी, उनका दर्द समझा, तो मैंने अपने प्रेसिडेंट साहबानों को, जो 4-5-6 प्रेसिडेंट हैं जिनकी यूनियन पिछले 10-10 सालों से इलीगल तौर में चल रही हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं है तो इलीगल है, तो उनसे जब हमने वार्ता की और उनसे ये बताया कि आपकी इलेक्शन जो है आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन आपकी इलेक्शन कराई जाएगी, मगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में असेंबली की इलेक्शन आ गई। सो मैंने स्मूथ ट्रांसपोर्टरों से ये वायदा किया कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन, जो हमने असेंबली इलेक्शन से पहले एक मीटिंग की, उसमें एक रेजोल्यूशन डाला और हमने जितने भी
अपोजिशन पार्टी के थे या हमारी जो यूनियंस चल रही थी, उन सबको एक साथ में बिठाया, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाया और हमने ये डिसाइड किया कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन सबसे पहले जो है इन यूनियंस की इलेक्शन करवाई जाएगी। मगर जैसे ही असेंबली इलेक्शन होती है, वो जो प्रेसिडेंट, जिनको पता है कि बहुत सारे प्रेसिडेंट इलेक्शन से क्यों भागते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाकाम होते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टर्स की उम्मीदों में खरे नहीं उतरते हैं, तो उनको लगता है कि इलेक्शन होने से वो हार जाएंगे। जब आपको इस बात का डर है तो आप काम करो ताकि आपको चुन के लेके आएँ, ट्रांसपोर्टर चुन के लेके आएँ। सो जैसे ही ये असेंबली इलेक्शन ख़त्म होती है, वो जो चुनिंदा 4-5-6 ट्रांसपोर्टर जिनकी इलेक्शनें पिछले 8-10 साल से ड्यू हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी आल जी एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को डिसॉल्व किया गया। ये एसोसिएशन जो है, ये ट्रांसपोर्ट यूनियंस और स्टेक होल्डर्स की, टोटल ट्रांसपोर्टरों की मिलके बनाई हुई ये जो संस्था है, एक अम्ब्रेला संस्था है, ये जो एसोसिएशन है एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है, यूनियंस के ऊपर आल जी एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अम्ब्रेला एक एसोसिएशन है। सो मैंने तब भी ये बात बोली थी कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, मेरे घर में 550-600 ट्रांसपोर्टर मिलके घर में आ गए थे, तो तब भी मैंने ये बात बोली थी कि कोई भी 4-5-7 जो यूनियंस वाले हों, वो किसी संस्था को डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो अपना रिज़ाइन दे सकते हैं। क्योंकि हमने जब असेंबली इलेक्शन के बाद उनसे गुजारिश की कि इलेक्शन कराई जाए, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। हमने नोटिस भेजे, उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो हमने वो जो हमने पहले तय किया था कि अगर ओपोजिट जो पार्टी है, अगर वो इलेक्शन के हक में नहीं आती, तो हम उनको जो है कीवर्ड कैसी थी, हम उनको डिसक्वालीफाइड करेंगे। और जो इलेक्शन, जो हमारे पुराने प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं बिना इलेक्शन के, तो अगर वो इलेक्शन के हित में नहीं आएंगे, तो हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। सो हमने जब उनकी बात सुनी तो वो इलेक्शन के हक में नहीं आए, तो हमने वो प्रेसिडेंट जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑलरेडी आल जी एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो डिस्चार्ज हैं, वो अपने हिसाब से वही 2-4-5-7 बंदों को लेके, यूनियंस को लेके, जिनकी इलेक्शनें पिछले 5-5-7-7-8-8-10-10 सालों से ड्यू हैं, उनको लेके वो एक नया चेयरमैन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जैसे वो पहले इलीगल यूनियंस चला रहे हैं तो वो वैसे चलाएं। तो उसी संबंध में हमने सबसे पहले पूरे कश्मीर प्रोवेंस में, जम्मू तो हमारे साथ है ही है, कश्मीर प्रोवेंस में हर एक संस्था से, हर एक यूनियन से, कन्फेडरेशन से, टूर एंड ट्रेवल्स वाले, हर एक संस्था से हमने जब विचार किया, पिछले 4-5 दिनों से हम श्रीनगर में हैं, तो सब ने एक आवाज़ में ये बोला कि हम सब इकट्ठे होके इस ट्रांसपोर्ट के दर्द को, क्योंकि जितनी भी ये संस्थाओं के मुखी बैठे हुए हैं, ये सब रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और सबके टाइमली इलेक्शन होते हैं और ये सब इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो इन्होंने सब ने एक आवाज़ में ये बात बोली कि हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होके ट्रांसपोर्ट की भलाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे। सो मैं आज यहाँ मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ अपने टोटल जितने भी मेरी संस्थाओं के मुखी बैठे हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने एक बात बोली कि हमने जब इसके लिए स्ट्राइक के लिए कॉल की थी, आपने देखा होगा मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हर एक चीज़ का फैसला टेबल टॉक में होता है, चाहे वो टेबल घर का है, चाहे झगड़ने के बाद थाने का है, चाहे बाद में जाके कोर्ट का है, फैसला टेबल में होना है। तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि कोई भी प्रॉब्लम है, उसके जो कंसर्न प्रशासनिक अधिकारी है, पहले उन तक अपनी प्रेजेंटेशन दें, नीचे से शुरू करें, लास्ट हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जाएं, क्योंकि इलेक्टेड सरकार तो अभी है ही है, पहले हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही थे। तो हमने हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो किया है, हमेशा टेबल दाल टेबल होते हुए हम LG साहब तक पहुँचे हैं, और भगवान की दया ऐसी रही, आपने पीछे बहुत सारे काम, हमारा बहुत बड़ा फिटनेस का मसला, ऐसे बहुत सारे मसले थे जो जब भी हम टेबल टॉक में गए हैं तो मसले हल हुए हैं, क्योंकि मसले हल कराने का भी एक प्रोसीजर है। आप आज डायरेक्ट जाके रोड में बैठेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी, उसके कंसर्न जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बोलेंगे आप तो हम तक आए ही नहीं, तो रोड में आप पब्लिसिटी के लिए बैठ रहे हैं। तो हमने हमेशा इस प्रोसीजर को फॉलो किया है, अभी भी पिछले 4-5 दिनों से हमने सब ने मिल के एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक चक्का है, गाड़ी है, टायर चलता है, तो नित नई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, अलग अलग यूनियंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसमें ई रिक्शा से लेके ट्रक तक, टैंकर तक, सब इसमें इन्वॉल्व हैं।
सो हमने वो जो प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, फहरिस्त है, वो हमने बनाई हुई है। हम विद इन डेज आफ्टर दिवाली के फंक्शन के बाद हम विद इन डेज जो है वो हम जो चुनी हुई सरकार है उनके सीएम साहब से मिलेंगे, हम जो मिनिस्टर साहब हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनसे मिलेंगे, और हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जिन्होंने हमेशा ट्रांसपोर्ट के ऊपर छाता बन के उन्होंने काम किया है, तो हम उनसे भी मिलेंगे और उनके कंसर्न जितने भी इशू हैं हम शाना विशाना सब एक साथ कंधे से कंधा मिला के आज कश्मीर और जम्मू, सही मायनों में आज कश्मीर और जम्मू इकट्ठा हुआ है, और आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मैं लद्दाख बोलना भूल गया क्योंकि लद्दाख के प्रेसिडेंट साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, वो भी कल आए हुए थे, आज उनको कहीं जम्मू जाना था, और इन सब ने इन राइटिंग लेटर पैड में इन सब ने ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जैसे हम आज इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही जम्मू और कश्मीर एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में आके ऐसे ही ट्रांसपोर्ट की सेवा करता रहेगा, और ट्रांसपोर्ट के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम एक साथ होकर ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।